जी नादरी, मैं सारा मोहम्मद रफान ब्यूरो चीफ लाल यूथ जिला संघ। नादरीन, आज हमारा प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, वो प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि यहाँ पर हर चीज़ नायाब हो चुकी है। आटा, चीनी, दाल, घी, हर चीज़ जो जितनी भी खाने पीने वाली अशिया है वो सब आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी है। यहाँ हम हमारा मकसद ये है यहाँ प्रोग्राम करने का कि आवाम की राय ली जाए कि आवाम इस परेशानी का सामना कैसे कर रही है। तो आए हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई आप अपनी राय दें महंगाई के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, ये महंगाई के बारे में आप अपनी हमें राय दें। आज हम जो ये प्रोग्राम हमारा इंशाल्लाह हम ये जो कर रहे हैं गरीब आवाम के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में ज़रा बताएं। अगर बात ऐसे है, जो बंदा 1000 रुपये कमाता है, जो बंदा 1000 रुपये कमाता है उसका गुजारा नहीं होता। 600 रुपये लीटर ऑयल है और 100 रुपये किलो आटा है, 100 रुपये किलो चीनी है, बंदे का पूरा नहीं होता। दवाइयों का खर्चा बच्चों का बंदा कहाँ से करे। बड़े हालात ख़राब हैं इस मुल्क के, नोटिस लिया जाए हुकूमत के खिलाफ। जी आप देख रहे हैं कि भाई ने हमें थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में आगाह किया है कि 600 रुपये किलो ऑयल हो चुका है। क्या गरीब आदमी ने अगर खाना बनाना है या खाना खाना है तो उसके लिए में कमो पेश एक टाइम के लिए 1500 रुपया होना चाहिए। तो लिहाजा हुकूमत ज़रा इस चीज़ पर तवज्जो दें। आए हमारे साथ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। भाई जी कौन का कौन, आटा भी नहीं मिलता, चिट्ठी भी मिलती है, स्टोर में जाते हैं नहीं देते हैं, ये नहीं मिलता है। हम बहुत तंग है, हमारा गुजारा नहीं होता है। जी ये अंकल का भी यही कहना था कि आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, ये क्यों नहीं मिलती आप लोगों को, पैसों से भी नहीं मिलती? नहीं जी, पैसे ही देते नहीं। यानी कि इनका कहना ये है कि पैसों से भी इनको ये चीज़